हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टोन फार्मिंग के बारे में कि आप इजीली स्टोन फार्मिंग कैसे कर सकते हो। स्टोन फार्मिंग के लिए हम नॉर्मली जो मेथड यूज़ करते हैं उसके लिए हम ये जो मेटल हैच है इसका यूज़ करते हैं। मेटल हैच से फार्मिंग करते हैं तो हमारा थोड़ा जो होता है स्टोन ज़्यादा क्वान्टिटी में फार्म होता है। अगर हम मेटल पिक या अदर वेपन का यूज़ करेंगे तो उससे भी फार्म होता है, लेकिन उसमें हमारी क्वांटिटी स्टोन्स की कम होती है, फ्लेंट और मेटल्स वगैरह की जो है क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो स्टोन फार्मिंग के लिए नॉर्मली जो है मेटल हैच का यूज़ करना चाहिए। और आज के इस मेथड के लिए हमें चाहिए स्टोन फार्मिंग का किंग डेडिक्रस, जिसे आप सबको पता है। अगर आपको स्टोन फार्म करना है तो डेडिक्रस से बेस्ट कोई डायनो नहीं है। तो मोबाइल में जो दिख रहा है इज बेस्ट डायनो फॉर द स्टोन फार्मिंग। तो आज के इस मेथड के लिए हमें एक राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैंने एक राफ्ट पहले बना रखी है इसका सीएल साइज है, और अब मैं जो है इसके ऊपर कुछ फाउंडेशन और प्लेस लगाऊंगा। और जिनको नहीं पता कि इसमें हम लेवल करके बोट के ऊपर फाउंडेशन और प्लेस कैसे लगाते हैं तो ये चीज़ भी आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगी। तो अभी मेरे को कुछ पिलर्स चाहिए होंगे, मैं बार बार इन्हीं को तोड़ता हुआ बनाता रहूँगा। कुछ मेरे को फाउंडेशन चाहिए, वैसे 9 फाउंडेशन चाहिए, पर मैं कुछ एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। तो इनको बनने थे पिलर। जो बाकी का मेरे पे वेस्ट मटेरियल है, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसे फेंक दूंगा वरना मैं मूवी नहीं कर पाऊँगा। सो आई थिंक बन गई है। तो सबसे पहले हम जो पिलर लेंगे और उसको पहले सबसे पहले आपको बोर्ड के सेंटर में जाना है। तो उस पर आने का बेस्ट तरीका है कि आप स्टोन पे उस पर बोर्ड पर राइड करो, आप बोर्ड के सेंटर में आ जाओ। अब यहाँ पर लग नहीं जाए, शायद बोर्ड जो है फाउंडेशन के ज़्यादा पास है, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को पहले आगे लेके जाना पड़ेगा, यानी कि मैं थोड़ी गहराई में क्योंकि ज़मीन पे फाउंडेशन कैच कर रहा था। आप चाहो तो बैठे बैठे एकदम बिल्कुल सामने की तरफ स्टोन का जो पिलर है उसे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही हो तो ऐसे हो, ये जो होल है इस होल के ऊपर और ये जो एक पार्टीशन का जो क्या लगता है एक वुडन स्टिक सी लगी है, इसके बिल्कुल एज के ऊपर आपको स्टोन का जो एक पिलर लगाना होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ फाउंडेशन लगा के नाप के देख रहा हूँ 9 किलो फाउंडेशन लग रही कि नहीं। तो हमारे इसके ऊपर 9 किलो फाउंडेशन लग जाएगी, मतलब हमारा स्टोन का पिलर जो बिल्कुल ठीक लगा है। अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो नई फाउंडेशन कई कम हो जाती है, कभी 8 लगती है, कभी 6 लगती है। तो हमारा पिलर बिल्कुल ठीक लगा, अब इसका हम लेवलिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें फाउंडेशन चाहिए और एक पिलर चाहिए। बार बार हम इनको तोड़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे। फाउंडेशन के ऊपर मैंने पिलर लगा दिया, पुराने वाले पिलर को तोड़ दूंगा। वो तो क्योंकि अभी पिलर थोड़ा नीचे लगा है पहले वाले के मुकाबले, तो अब इसकी फाउंडेशन को तोड़ के जो मैं नया फाउंडेशन इसके साइड में लगाऊँगा वो इस पिलर के लेवल पर जाएगी। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पर एक फाउंडेशन, ये फाउंडेशन पहले वाली फाउंडेशन थोड़ी नीचे गई है। अब इस पिलर को मैं तोड़ दूंगा, अब मैं दूसरा पिलर लगाऊंगा वो इस फाउंडेशन के और ज़्यादा डीप में जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पिलर का साइज़ कम होता जाता है वैसे ही हमारी फाउंडेशन का ग्राउंड भी, नेक्स्ट जो फाउंडेशन उसके साइड में लगती है उसका ग्राउंड भी नीचे कम जाता है। आई थिंक ये इनफ है, इससे ज़्यादा नीचे की जरूरत है नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको कम्प्लीट कर लेता हूँ बोर्ड के चारों तरफ इसकी फाउंडेशन लगा के। अगर आप और डीप करना चाहो तो और कर लो, पर ज़्यादा डीप मत करना। अगर आपने फाउंडेशन को बोर्ड के बिल्कुल नीचे ही लगा दिया तो कोई बेनिफिट नहीं रहता कि बोट हमारी जो वीक हो जाती है। फिर अगर कोई डायनो इस पर अटैक करेगा तो हमारी बोट डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो भी हमने बनाया फाउंडेशन सब खत्म हो जाएगा। तो फाउंडेशन को थोड़ा नीचे लेके जाओ कि वो बोट को ही प्रोटेक्ट करे, कोई डायनो सीधे बोट के ऊपर अटैक ना कर पाए। आप चाहो तो पूरा पूरा इसको बंद कर लो, या फिर ठीक है पूरा बंद करने में थोड़ी चलाने में दिक्कत आती है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि जो सेंटर वाला है होल है उसको आप खोल करो। कुछ लोग क्या करते हैं पीछे वाले को खोल लेते हैं, उसमें फिर
ट्रैप डोर लगा देते हैं, पर मेरे हिसाब से तो आपको सारा कवर कर लेना चाहिए, सिर्फ सेंटर वाला एरिया खुला छोड़ देना चाहिए कि इससे इजीली एक्सेस रहता है, कोई डायनो सीधे सेंटर में तो अटैक करेगा नहीं। और हम जैसे ही इसके अंदर आएंगे हमारे लिए मतलब बोट को एक्सेस करना भी ईजी हो जाता है। तो अब हम आ गए आगे अपने मैटर की तरफ चलते हैं। तो अब हमें चाहिए होगा एक स्टोरेज बॉक्स स्टोन फार्म करके रखने के लिए, क्योंकि ज़्यादा स्टोन हो जाएगा तो हम रख नहीं पाएंगे, तो एक स्टोरेज बॉक्स बना लेते हैं। ये वेस्ट मटेरियल फेंक दो, थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो रहा है, अब इनका काम खत्म हो गया। तो हम अपने मेथड पे हैं, अब हमें सिर्फ एक स्टोरेज बॉक्स चाहिए, बोट का बेस हमारा तैयार है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप कुछ और बड़ा करना चाहो आपकी मर्जी है, जैसे जो बेसिक साइज़ है वो ये है, इतना ही हमें बनाना चाहिए। तो स्टोरेज बॉक्स के लिए चाहो तो वैसे एक ही स्टोरेज बॉक्स काफ़ी है, अगर आप इतनी सर्वाइवल हो सारा सामान आप कैसे भी रखना है तो एक दो स्टोरेज बॉक्स बना लो, ताकि और ज़्यादा सामान जो कुछ रखना हो वेस्ट वगैरह वो इस पर रखते रहो, रिसोर्सेज एक साइड में रहे। अब हम चलते हैं अपने डेड एक्स पर, अब इसका काम इसको लेके आएंगे हम बोट के ऊपर। और आपको डेड एक्स को बिल्कुल सेंटर में या फिर थोड़ा सा मतलब बिल्कुल आगे वाले एरिया पे इसको रखना है डेड एक्स। ओके, अब हम यहाँ से बोट को राइड करते हैं और चलते हैं। अब स्टोन फार्मिंग कैसे करनी है देखो, आपके सामने जो बोट के सामने की साइड में जो है डेड एक्रस है और एक स्टोरी बॉक्स है। अब हमें सिर्फ जाना है और जो भी स्टोन हमारे पानी वाले एरिया में पड़ेगा वहाँ जाके हमें अपनी बोट को रोक देना है, थोड़ा स्लो कर देना है या रोक ही दो ज़्यादा बेटर है। तो ये डेड एक्रस ऑटोमेटिकली इनके ऊपर अटैक करेगा और फार्म करेगा, ये खुद ही इनको अटैक कर रहा है। अगर आप सिंगल फार्म करना चाहते हो तो ये बेस्ट है, अगर टीम मेट वगैरह है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, अकेले भी इससे फॉर्म कर सकते। इसको स्टोन के पास लेके जाओ ये अपने आप उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसने चार पाँच उसको डिस्ट्रॉय करके 1184 इतना स्टोन फार्म कर लिया। एक तो इसकी वेट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ही स्टोन फार्मिंग कर सकता है ईजिली। और अब बोट के ऊपर से बनाओगे तो जितना भी दूर लेके जाते रहो आराम से, कितना भी वेट मतलब होता रहे आपकी बोट की कैपेसिटी उसको आराम से एब्जॉर्व कर लेगी। लेकिन आप यही चीज़ जो है सोच रहे हो कि ये इससे सिर्फ पानी के अंदर का ही फार्म होगा, बाहर का भी हमें करना है, तो क्विजल के ऊपर बना लेना चाहिए। क्विजल के ऊपर बना सकते हो, एक तो थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और वहाँ पर जो होता है हमारी वेट की लिमिट भी रहती है, क्योंकि जितना क्विजल की कैपेसिटी है हम उतने ही स्टोन फार्म कर पाएंगे। एक क्विजल की कैपेसिटी ऊपर से उसके ऊपर प्लेटफॉर्म डेढ़ एकर्स भी और स्टोन फार्मिंग, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप एक बोट बनाओ, बोट के ऊपर इसे रखो, ये फार्म करते रहेगा और जितना भी स्टोन फार्म होगा ईजिली हम इसके अंदर स्टोरेज बॉक्स में अपने रखते रहेंगे, फार्म होता रहे कलेक्ट होता रहेगा। अगर इस वीडियो से किसी की हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको इस मेथड के बारे में पता था या नहीं पता था। और इसके अलावा अगर आपको किसी और मेथड के बारे में फार्मिंग के बारे में जानना है तो उसके ऊपर कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी एक सॉल्यूशन जरूर बना के दूंगा। और अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हो तो आप हमारे एक्समैन सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, आप पीछे देख पा रहे हो कि स्ट्रक्चर बना हुआ है एक्समैन के नाम से, तो यही हमारा सर्वर भी है, एक बार देख लो, XEMAN एशिया में है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।